क्यों, मेरा नाम तो आप जानते होंगे, जो कि आज मेरा दूसरा व्लॉग है। तो आज हमारा फिर अचानक प्लान बना है कि जी आज हम दोबारा जा रहे हैं किसी होटल में बर्गर वगैरह खाने या आइसक्रीम वगैरह खाने। तो उस्मान को मैं बुला रहा हूँ। उस्मान जी इधर आना ज़रा। उस्मान साहब को कह रहा हूँ जी ये ताले की चाबी खोलें। और हम दरअसल इस गाड़ी के जो सारे टायर हैं ना टोटल, वो हम चेंज करवा के आए हैं। बालों पर तेल वगैरह लगाया हुआ है। कल हमने इंशाल्लाह कश्मीर जाना है, दरिया वगैरह, तो वहाँ पे भी जाकर ब्लॉग व्लॉग वगैरह बनाना है। तो जी ये देख लें, टायर टोटल पड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, अब टायर उठाने पड़ेंगे। तो पहले पहले टायर उठा लेते हैं, फिर टायर उठाने के बाद आपको मिलता हूँ। बाय बाय भाई। फाइनली दो टायर निकल गए हैं, दो सामान ले गए, अब गाड़ी बिल्कुल खाली पड़ी है। तो आज ब्लॉग कुछ दोबारा से स्टार्ट कर दी है। तो अगर भी लोग अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें जी गाइस, रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, तो भी सॉरी 12:30 तो नहीं, 11:30 हो रहे हैं, फिर भी दुकानें वगैरह कुछ खुली हुई हैं हमारी। तो हमें साथ के बाद में रहता हूँ। वाह वाह वाह, उस्मान तो बड़े कामों में लगा हुआ है, वो दो दो टायर उठा के लेके जा रहा है। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, हो सके तो शेयर भी कर देना, फॉलो भी करना। तो गाइस आपको एक बंदे से मिलाता हूँ जो के इस दुकान में बैठा हुआ है जी। हाँ भाई, क्या आ रहा, ठीक है? हाँ तबीयत वगैरह ठीक है? ये देखें जी गाइस, इसने दुकान खोली है माशाल्लाह। इसमें चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं कुछ, मतलब अब देख लीजिए गाइस। अल्लाह पाक इसकी दुकान में बरकत डाले। रात के 11:30 हो रहे हैं और ये बंदा अभी तक बैठा हुआ है। तो गाइस देख लीजिए कुछ लोगों की मेहनत वगैरह, जैसे कि आप देख रहे हैं इन दुकान में, जैसे दुकान देख रहे हैं। तो आप जस्ट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो माशाल्लाह अच्छा खाते पीते हैं, तो अच्छा खाते पीते हैं। लेकिन देख लीजिए आप जिन जैसे लोगों, अल्लाह माफ़ करे, देखें कि लोगों को शुक्र अल्लाह का करना चाहिए कि जो कहते हैं जी हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास अच्छा मोटरसाइकिल नहीं है, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमें चिकन वगैरह मुर्गी वगैरह खाने को नहीं मिलती, लेकिन शुक्र करें कि आपको खाने पीने का अच्छा मिलता है। आपको पता है मैं भी पहले बहुत मतलब बातें करता था कि अल्लाह ताला ने हमें मतलब ये वाली गाड़ी दी है, लेकिन अब मुझे पता चला है ये वाला मोटरसाइकिल दिया है, घर दिया है। लेकिन अब मुझे पता चला है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें घर दिया है, गाड़ी दी है, हर चीज़ दी है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब हम जा रहे हैं जी बर्गर, वहाँ पे जाके हमारा प्लान बनेगा जी कि हम होटल जाएँ, हमने बर्गर वगैरह खाने हैं या तो उसका क्या कहते हैं आइसक्रीम वगैरह खानी है। ये उधर जाके पता चलेगा क्योंकि हमारी फैमिली जो सी है वो अचानक प्लान बनाती है और फिर उनके प्लान मतलब जो उनसे है वो जी बस वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो ठीक है भाई, बाय बाय भाई। उस्मान साहब कह रहे हैं जी सॉरी गाइस, तो मैंने आपसे सलाम करना भूल गया था, तो मुझे माफ़ कर देगा। और आप इस व्लॉग को कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मतलब कि उस्मान के कहने का मकसद ये है कि वो सलाम करना भूल गया आपसे, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट वगैरह हर चीज़ करना। ठीक है गाइस, तो वहाँ पे जाकर हम आपसे मिलते हैं। बड़ा भाई जो है वो अब गाड़ी की सेल्फ मारेगा ताकि गाड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाए। तो उस्मान कुछ और भी कहना चाहते हैं जी? हाँ उस्मान तो भाई, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई को ना बहुत शौक था जो व्लॉग बना रहा है, ये अब्बू को रोजाना कहता था कि अब्बू व्लॉग बनाना व्लॉग बनाना, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ठीक है गाइस, मेरी तो मेरे छोटे भाई की सुन लें यार। तो गाइस वहाँ पर जाके मैं व्लॉग बनाता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो गाइस फाइनली हम गाड़ी में बैठने लगे हैं। अरे गाड़ी में बैठ गए हैं जी, दरवाज़ा वगैरह बंद कर लें। तो गाइस अभी फैमिली का इंतज़ार हो रहा है, बाहर खड़े हैं, तो देखते हैं। उस्मान साहब बैठे हुए हैं आगे। तो गाइस अब जाके पता चलेगा कि जी हमने क्या खाना है तो क्या नहीं खाना। ठीक है जी, तो वहाँ पर जाके मैं कुछ आपको अपने रिश्ते की मतलब जो जा रहे होंगे वहाँ की क्लिप वगैरह दिखा दूंगा।
देखिए डबल इंडिकेटर चल गए हैं गाड़ी के, तो जब शवारमा वगैरह आ जाएगा तो मैं आपको थोड़ी सी क्लिप वगैरह बना कर दिखा दूँगा। होगा अभी अभी एक खबर मिली है कि जी यहाँ का शवारमा बहुत मज़े का होता है, चाहे आपको जगह अच्छी नहीं लग रही होगी लेकिन खबर मिली है कि शवारमा ख़त्म हो गया। चलो अगली नेक्स्ट जगह पे जाकर देखते हैं कि शवारमा वहाँ से मिलता है। इस जगह पे आए हैं, ये आई थिंक कराची होटल है, थोड़ी दूर तक चल गाड़ी पे आए हैं तो अब ये मिला है, एक खुला हुआ है, देखें अब यहाँ से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे 11:30-12 बज रहे हैं, तो देखते हैं अब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। चेक कर रहे हैं जाके कि मिले जाएगा तो खा लेंगे और आपको भी दिखा दूँगा, अगर ना मिला तो फिर कुछ और ही करना पड़ेगा। गाइस फाइनली इंतज़ार के बाद ये आइसक्रीम मेरी आ गई है, बड़ा अफसोस हुआ कि ये आइसक्रीम मेरी नहीं है जो कि मेरी बहन की है। गाइस हमने आइसक्रीम नहीं खानी, हमने बर्गर खाना है तो बर्गर ही खाएंगे, तो इसीलिए मैं जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो बर्गर खाऊंगा। तो गाइस यहाँ से हमने बर्गर वगैरह खाना है वो फाइनली जगह आ चुकी है। तो गाइस यहाँ की मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इनका जो पिज़्ज़ा है ना, इनका पिज़्ज़ा वो बहुत सस्ता है, इनका जो स्पेशल पिज़्ज़ा है ना स्पेशल, वो 600 रुपये का है। आप हैरान तो हो गए होगे, किसी टाइम मैंने आना है, अगला व्लॉग बनाना है, अगले से अगला जब भी कब मौका मिलेगा तो हमने व्लॉग बनाना है। तो ये सामने है, ये एक मिनट आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइस जूम करें, शायद आपको साफ नज़र आ ही रहा होगा। तो आज तो फिलहाल हम यहाँ पे बर्गर वगैरह खाने आए हैं, पिज़्ज़े की वीडियोस बनाऊंगा। ये 450 रुपये का पिज़्ज़ा है, अगर स्पेशल बनाना चाहते हो तो 600 रुपये का पिज़्ज़ा है, तो मैं किसी टाइम आऊँगा और आपको ब्लॉग दिखाऊंगा। ये लाहौरी दाता है, तो जब बर्गर वगैरह आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा सर। ठीक है भाई, गाइस फाइनली पहुँच गए, बर्गर शर्गर आ गया है, अब चेक कर लेते हैं बर्गर कैसा है। शक्ल ठीक बनानी थी, अल्लाह खैर, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अब खा भी पता चलेगा। एक मिनट गाइस पहले खा लेते हैं, चीज़ तो आपको देख ली होगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा बंद करी, मोड़ा की चीज़ तो बढ़िया है वैसे, बहुत मज़े का है। तो गाइस मैं उसको खा के आपसे मिलता हूँ। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी वीडियो बनाई थी लेकिन खैर कोई नहीं, बनाई तो है। तो गाइस इस जो वीडियो बनाई थी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।